आज की हमारी वीडियो होने वाली कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर लुक। हमारा जो लुक है वो पांच चीजों से मिलके बनता है। नंबर एक हेयर, नंबर दो आपकी आईब्रो, नंबर तीन आंखों के नीचे के काले घेरे या फिर आप अंडर आई का पोर्शन बोल सकते हो उसको, नंबर चार आपकी लिप्स और नंबर पांच की बात करूं वो होती बियर्ड। तो अगर इन पांचों को आप बैलेंस कर देते हो तो सारा जो लुक है आपका अभी वो आपका कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि अच्छा दिखने लगता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, आपको अपने बाल पे फोकस करना है। अगर आपको एक अच्छा हेयर ऑयल नहीं यूज करते हो तो आपको एक हेयर ऑयल यूज करना चाहिए। प्लस आपको अपने हेयर के लिए एक अलग से रूटीन बनाना चाहिए जो आपका वीकली हो सकता है या फिर वीक में दो बार हो सकता है, क्योंकि इस समय पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जिसके कारण बहुत सारे लोगों के हेयर फॉल होता है। वैसे मैंने हेयर के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई, आई बटन आ रही है, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी स्किन के बारे में, जो फेशियल स्किन होती है। अगर ये आपकी स्किन टैन हो जाती तो उसकी इफ़ेक्ट और उसका प्रभाव आपको अपनी फ़ोटो में भी देखने को मिल जाएगा। आप अपनी फ़ोटो को देख सकते हो, आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है। जब फ़ोटो नहीं अच्छी आती तो बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो टैनिंग को हटाने के लिए आपको एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले सकते हो या फिर कोई अच्छा सा कॉस्मेटिक भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए, आप अगर आयुर्वेदिक के फ़ैन हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करते हो, आपको रिजल्ट बहुत फास्ट नहीं चाहिए, तो आप स्किन प्रोटेक्टर आयुर्वेदिक क्रीम की तरफ जा सकते हो या फिर आप पेन वाइट बॉडी वाइटनिंग क्रीम या फिर पेन वाइट स्किन वाइटनिंग क्रीम दोनों का यूज कर सकते हो। पेन वाइट स्किन वाइटनिंग फेस के लिए और पेन वाइट बॉडी वाइटनिंग आपकी गर्दन के लिए, बॉडी के लिए, बॉडी के पार्ट के लिए। हम जैसा बात कर रहे थे एब्रो, ये नंबर तीन है। एब्रो अगर आपकी सही नहीं है तो आप जो फेशियल हेयर एक्स्ट्रा है उनको हटा सकते हो थ्रेडिंग के द्वारा या फिर प्लकिंग के द्वारा, उसको आप हटा सकते हो। तो इस तरीके से करने से आपका जो लुक है और जो देखने में जब सामने वाला बंदा आपको देखेगा तो उसका लुक का जो प्रभाव होगा वो एक अलग ही आएगा। अब मैं बात करता हूँ बहुत सारे लोगों की जो लिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है। तो लिप्स के लिए आप एक अच्छा सा स्क्रब यूज कर सकते हो। वैसे लिप को पिंक कैसे करें इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी, आई बटन आ रही, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। वरना लिप को पिंक कैसे करें इसकी वीडियो भी आपको लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने लिप के लिए एक अच्छा स्क्रब चुन सकते हैं और उनको लिप को अपने पिंक बना सकते हैं, और ये पॉसिबल है। अब मैं बात करूँ बियर्ड की, देखिए बियर्ड अभी मैं ग्रो कर रहा हूँ, एक मैं फ़ोटो डाल दूंगा उसमें बियर्ड मेरी सेट है। मैं थोड़ा आपके बार हैवी बियर्ड चाह रहा था इस वजह से इसको सेट नहीं कराया। ये देखिए आपको मेरी शक्ल इस समय कैसी दिख रही होगी, वही फ़ोटो में देखिए कितनी ज़्यादा शार्प लुक आ रहा है। तो ये कुछ पाँच रीज़न होते हैं, पाँच से छः रीज़न जिनकी वजह से आपका लुक पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है और होता है। दोस्तों वीडियो छोटी है, सिंपल है, अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, कोई सवाल हो कमेंट करना। और हाँ, हेयर के ऊपर, लिप्स के ऊपर, बियर्ड के ऊपर और स्किन कलर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी, तो उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।